आपका स्वागत है। मैं आशा करता हूँ कि आप ये समझने लगे हैं और सोचने लगे हैं और प्रार्थना करने लगे हैं कुछ मूलभूत ऐसे समझ के विषय में और सीख के विषय में, उद्देश्यपूर्ण क्या होता है इसके विषय में, किसी और बात से बढ़कर स्वस्थ कलीसिया के होने की विचारधारा और सोच के विषय। जब हमने घेरे में सोचना आरम्भ किया है और जब हमने आरम्भ किया है, हम चाहते हैं, आरम्भ करना चाहते हैं सबसे बड़े घेरे के साथ में जो कि समाज है, तो प्रश्न जो आज हम आपके सामने रखना चाहते हैं कि आप अपने समाज तक कैसे पहुंचते हैं, कैसे एक स्थानीय कलीसिया एक योजना को या तरीके को अपनाती है कि कैसे वे स्थानीय लोगों तक कलीसिया के द्वारा पहुंच सकते हैं, हम कहां तक पहुंच रहे हैं, हम क्यों कर रहे हैं, मैं कैसे कर रहा हूँ। ये वो तीन प्रश्न है जिसका उत्तर मुझे देना है हमारे अगले वीडियोज में या फिर आने वाले कई सारे वीडियोज में। जब हम समाज तक पहुंचने की बात करते हैं तो यीशु ने जो हमसे वाचा बांधी थी, हम उसकी ओर लौट कर जाते हैं, जो ये कहता है, मेरे पास में आओ और मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे तुम मनुष्य को पकड़ सकते हो। यीशु ने कहा कि मैं तो तुम्हें मनुष्य को पकड़ने वाला बनाऊंगा। देखिए इस शब्द शो को, यीशु ने कहा कि मैं तुम्हें दिखाऊंगा, तुम्हारे आसपास के लोगों के विषय में मैं तुम्हें समझ को दूंगा, मैं आपको ये जानने में और देखने में मदद करूंगा कि क्या मैं समाज में करता हूँ और कैसे तुम आगे आकर इसमें सहायता कर सकते हो। ये वो बात है जो हमें समझने की आवश्यकता है। ये तो परमेश्वर है जो इन सभी बातों को करता है, सही है। मसीह की आत्मा उपलब्ध है, वो परमेश्वर के लिए आत्माओं को बचा रही है, उसके पास धड़कने वाला हृदय है और कलीसिया उसके साथ में आती है और उसे एक बात में साबित करते हैं कि जो कुछ भी प्रभु को आत्मा करता है उसमें वो शामिल हो जाए। मत्ती 4 अध्याय उसका 19वां वचन, यीशु मछली पकड़ने के विषय बोलता है, और पुराने नियम में मछली पकड़ने का जो तरीका था वो एक तरफा नहीं था, ऐसा नहीं कि एक मछली के बाद दूसरी पकड़ता है, ये तो हमेशा जाल होता है, आप जाल को फेंकते हो और आप मछली को आप पकड़ते हो, और यह तो आपके पकड़ने और प्रभु के ऊपर में आधारित है। चेलों को यीशु ने ये कहा था, अपने जाल को गहरे में डाल और उन्हें बहुत सारी मछलियां मिली, तो ये झुंड के काम के साथ में जुड़ा हुआ है, जाल के साथ ये जुड़ा हुआ है। हमें ये करना है, एक कलीसिया और एक समाज होने के नाते हम किस प्रकार से सुसमाचार को ऐसे रीति से बताएं कि कई सारे लोगों को इसको सुनने का मौका मिले। सिर्फ एक ही व्यक्ति नहीं, एक दो लोगों के हाथों में इसे छोड़ना नहीं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप ऐसा सोचें, क्योंकि जितना हम लोग सोचते हैं कि एक व्यक्ति है जो यीशु तक पहुँचने वाला है, जबकि ये सत्य है, सच में सत्य है, ये ऐसा नहीं है कि भूतकाल में, तो ये योजना भूतकाल में। सबसे पहले तो हमें इस प्रश्न का उत्तर देना है, वे कौन से लोग हैं जिन्हें हम लोग पकड़ते हैं, तो वे कौन से लोग हैं जिनके लिए हम बाहर जा रहे हैं। कुछ लोगों को इसराइल में, कुछ अगुओं को यीशु ने कहा कि मैं तुम्हें इसराइल के खोई हुई भेड़ों को लाने के लिए बुलाया हूँ, मैं इसराइल की खोई हुई भेड़ को बुलाने के लिए बुलाया गया हूँ। पौलुस से वो कहता कि मैं तुम्हें अन्य जातियों में सुसमाचार सुनाने के लिए भेजता हूँ। क्या ये आपको पता है? क्या आप ये जानना चाहते हैं कि हम कहाँ तक पहुँचने वाले हैं? क्योंकि हम में से बहुत सारे भिन्न शहरों से आए हैं, हम में से कुछ लोग नई दिल्ली से हैं, और आप हो सकते हैं किसी छोटे शहर में, या फिर हो सकता है कि सभी लोग एक से ही, वही छोटी कलीसिया, वही संस्कृति, और हो सकता है कि वही धर्म भी हो, फिर धार्मिक विश्वास के समान कुछ हो, और मेरे शहर में यहाँ पर सब कोई रहता है, तो मैं अगर सभी तक पहुँचने की कोशिश कर रहा हूँ, यह उसमें शामिल नहीं हो सकता है। मेरी कलीसिया यह नहीं कर सकती है, तो मुझे सबसे पहले उसका उत्तर देना होगा, मैं किस तक पहुँचने की कोशिश कर रहा हूँ। जब मैं प्रश्न का उत्तर दूंगा, मेरे पास तो एक बेहतर तरीका होगा, मैं कैसे जानूं कि मैं किस तक पहुँच रहा हूँ, तो फिर आपकी कलीसिया कहाँ पर स्थापित है, आपकी कलीसिया कहाँ पर है, जहाँ कहीं आपकी कलीसिया है, आसपास देखे, आसपास में देखे और पैदल चलकर इसे खोजे, उस समाज में किस प्रकार के लोग रहते हैं, उन लोगों की आर्थिक बातों का वह स्तर क्या है, उन लोगों की आवश्यकता क्या है, और हम इन सभी बातों को देखेंगे। लेकिन सबसे पहली बात, यही तो आपकी पंक्ति है, जब आप अपने समाज में चलते फिरते हैं तो आपको पता चलता है कि मैं यहाँ पर रहता हूँ और यहाँ पर मेरी कलीसिया है, और यहाँ पर एक लोगों की एक संस्कृति जो हम लोग देख रहे हैं, आपके क्षेत्र में कैसे लोग रहते हैं। अगर आप नोट्स में मेरे साथ में देख रहे हैं, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं या आप हमें लिखे, हम आपको ये भेज देंगे ताकि आप मेरे साथ में नोट्स में देख सके। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ में सोचे, मैं चाहता हूँ कि आप सोचे, लिख लीजिए जितने संभव सके उतने विचारों को, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ऐसे ही कुछ बातें, जब आप समाज में चलते हो तो स्वयं से पूछे कि उनका डर क्या है, कौन सी बातों से इन्हें ज्यादा डर लगता है। आप किसी छोटे नगर में या किसी गांव में हो सकते हो, या हो सकता है कि ये बहुत ही दूर दराज वाला इलाका हो, या फिर किसी बड़े से नगर से हो, पर जब आप चलते हो पूरे शहर भर में, जब आप लोगों को देखते हो, सोचते हो, वे किसे लेकर चिंतित है, उनकी चिंताएं कौन सी है और उनके वे भय कौन से है।
लोगों से बात करने का तरीका सबसे बढ़िया है। जब आप लोगों से प्रश्न पूछते हो, साक्षात्कार लेते हो, लोगों से बात करते हो, सबसे बदतर लोग और सबसे बदतर परिस्थिति आपके समाज के लिए जानकारी लेने के लिए हो सकती है। ये कलीसिया के लोग स्वयं होते हैं, क्योंकि हमें से बहुत तेरे इतने अलग रहते हैं। हम तो वास्तविकता से कटे हुए रहते हैं, हम तो अपने ही जीवन में व्यस्त होते हैं, और हमें तो इस प्रकार के माहौल से निकलने की आवश्यकता है कि हम लोगों के जीवनों में आ जाए जो हमारे आसपास है। तो सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि हम किस तक पहुंच रहे और हम कैसे जानेंगे। बाहर निकले और आप अपने कॉलोनी में यहाँ वहाँ ढूंढे कि आपका घर कहाँ पर है और आपकी कलीसिया कहाँ पर है। ढूंढे कि अधिकतर लोग कौन से है और कौन सी भाषाओं को बोलते हैं, कौन सी संस्कृति है उनकी, कौन सा विश्वास वो मानते हैं, और वे लोग किस प्रकार के डर भय को मानते हैं, और ऐसी ही कुछ बातों को हम खोजे। और फिर आत्मिक रूप से बात की जाए तो वो कौन से स्तर पर है। क्या वे परमेश्वर का भय मानने वाले हैं या बिल्कुल भी भय को नहीं मानते परमेश्वर के। अगर नापने के लिए जाए तो वे कौन से स्तर पर है। क्या वे अंधविश्वासी हैं या फिर वे पैसों की ही सोचते रहते हैं, या फिर वे ऐसे लोग हैं जो ये सोचते हैं कि उन्हें अपने जीवन को स्वयं बनाना है। हम ही सब बातों को करेंगे। हमें क्या करना है, हमें ये समझना है कि लोग हमें पसंद नहीं करते। लोग पसंद नहीं करते हैं, ठीक है, ना तो वो हमें ना ही एक दूसरे को पसंद करते हैं। तो जब तक हम लोग बाहर ना जाए, जब तक हम उनसे बातें ना करें तब तक, और जाने की कोशिश करें कि उनके जीवन में क्या चल रहा है, तो हम सचमुच में हम जान नहीं पाएंगे। और मुझे लगता है कि कौन इस प्रश्न से बहुत कुछ जुड़ा है, ठीक है। तो जब हम लोग आगे बढ़ते हैं, हमें खुद को और एक प्रश्न पूछना चाहिए, मछली या कैसी सोच को रखती है, कि कैसे एक मछली अपने आसपास के वातावरण में बदल जाती है। जब आप भटके हुए और खोए हुए तक पहुंचते हो तो आप अंतिमता वहां तक पहुंचना चाहते हो। सबसे महत्वपूर्ण कि वे जीवन को कैसे देखते हैं, कैसे जीवन को आगे ले जाते हैं। तो जब आप ऐसा सोचते हैं तो अपने वातावरण के विषय में सोचते हैं और आप डर के विषय में सोचना आरम्भ कर देते हो। आप स्वयं के ही डर और भय के विषय में सोचना आरम्भ कर देते हो। और यही बात तो उसके साथ में जुड़ी हुई है जहाँ पर पत्रस इस बात को बोलता है, नम्र हृदय बने। तो आप सोच सकते हैं आपके नुकसान के विषय में उन्हें किस बात में परेशानी हो रही, क्योंकि हमारे पास में प्रभु की प्रतिज्ञाएं है। हमें पता है कि हमें किस पर विश्वास करना है, हम प्रभु की प्रतिज्ञा और भरोसा क्या है हम उसे जानते हैं। परंतु यीशु के उत्तर के प्रति लोग नहीं बोलते हैं कि हम लोग समझ नहीं पाएंगे, लेकिन फिर से उनसे बातें कीजिए, उनसे बोलिए। मैं एक वचन देना चाहता हूँ, जो लोग विश्वासी नहीं है आप उनके प्रति अच्छे व्यवहार को रखो। वे विश्वासी नहीं है इसलिए उनके लिए जो कि विश्वासी नहीं थे। ये तो लंबा सफर हो चुका है आपका और मेरा, अविश्वासी है, सही है। तो हम लोग नहीं चाहते कि हम कैसे भयभीत हो सकते हैं। निश्चित तौर पर हम लोग तो स्वर्ग के विराजमान राजा तक पहुंचना चाहते हैं जिसके विषय जानकारी नहीं है। हम में से बहुत तेरे प्रभु के साथ में लंबे अरसे के लिए नहीं थे। अविश्वासी क्या सोचेगा और उनके डर क्या है और चिंताएं। जब हम आगे बढ़ते हैं हम अगली शिक्षा में देखेंगे कैसे वे जरूरत पूरा करें और आपके समाज में उसके द्वारा आप अविश्वासी भाई और बहन तक उसे लेकर आए। सोचते रहिए, लिखते रहिए और अगले वीडियो का इंतजार करें।